मेरे ट्रैवल डायरी पे और एक जगह की कहानी चल रही है जो कि है मनाली। व्हाट्स अप गाइस, ऑल योर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मेरा। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हमारा अलग ही प्लान है, मतलब तो आज है हमारा मनाली में डे थ्री। और आज के दिन के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। आज हम लोग जा रहे हैं एकदम स्नो वाले पहाड़ों पे, हम लोग जा रहे हैं सोलंग वैली। और कल रात को हमने बाइक बुक कर लिया था, हमारे हेलमेट भी ले लिए और बाइक का चाबी भी ले लिया। अभी तुरंत अभी रेडी होके जाएंगे। फिलहाल अभी तो धूप भी दिख रहा है, हल्की हल्की सी धूप गिर रही है, थोड़ा खोल के देखते हैं। अभी कर्टन्स को थोड़ा खोल देते हैं। ओह भाई, ये देखिए विंडो चेक, ये चेक करें गाइस। कुछ दिखती है रोशनी की वजह से, कुछ दिख नहीं रहे। बाकी ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा स्नो का एक्सपीरियंस, मतलब पहले हम चंगू गए थे, उस टाइम पे बर्फ नहीं मिला हम लोगों को, लेकिन ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम स्नो का एक्सपीरियंस होने जा रहा है। तो बहुत ही एक्साइटेड। और बाकी आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करते रहिए और ब्लॉग करते रहिए, एंजॉय। बाकी अभी तुरंत से रेडी होके निकलते हैं। और आज हमारा बाइक होगा हिमालयन, मतलब मनाली में आए हैं और एक बाइक राइड ना हो तो हो ही नहीं सकता है। तो हम तो मेरा पहले से एक सपना था कि मनाली में आके ऐसे बाइक लेके घूमूंगा, तो वो आज फाइनली वो सपना मेरा पूरा होने जा रहा है बाकी बहुत बहुत एक्साइटेड। अभी जल्दी से, अभी बज रहे हैं 8:30, हमारा 8 बजे का निकलने का टाइम था, लेकिन कोई नहीं, ठंडी इतना है ना, मतलब कंबल से निकलने का मन नहीं करता। तो अभी 8:30 बज गए, तो हम 9 बजे के करीब निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी देखते रहिए ब्लॉग। अभी हम लोग होटल से निकल रहे हैं और सामने ही हमारा बाइक पार्क है। बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि अभी बस सब कुछ ठीक से हो जाएगी, कि अभी स्नो में बाइक स्किड होने का चांस है। उस तरफ तो बहुत स्नो होगा तो बाइक स्किड करने का चांस है, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, बस सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो हमने कल यहाँ से बाइक ली थी, हिमालयन की एडवेंचर। ये रहा हमारा 20, ये वाला है क्या? हाँ यही वाला है। चेक दिस आउट गाइस, तो गाइस वी आर लिविंग। ऑल इज वेल। तो वी आर लिविंग। होप आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी अच्छी से, क्योंकि एक्सटर्नल माइक में लगा लिया हूँ। अभी हम लोग ओल्ड मनाली से निकल रहे हैं। होप, बहुत एक्साइटेड। अभी फर्स्ट टाइम मैं हिमालयन चला रहा हूँ, अलग ही एक्सपीरियंस है, सब कुछ नया एक्सपीरियंस। अभी हम लोगों को पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा और पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। ठंडी ठंडी हवा लग रही है। यहाँ से सोलंग वैली शायद 11 किलोमीटर या 12 किलोमीटर है, तो अभी शायद आधा घंटा या 40-45 मिनट लगेगा। धीरे धीरे जाएंगे ना, इसलिए सामने एकदम बढ़िया सा एकदम स्नो वाले पहाड़ और हम लोग चला रहे हैं, अपने हाथ में है हिमालयन। क्या ही मजा आ रहा है यार। और हम पहाड़ों के सामने व्हील चलाते हुए मतलब ड्रीम कम ट्रू है यार, मतलब क्या ही बताऊं।
लग रहा है ये सच नहीं है, मेरे को अभी भी लग रहा है कि ये सच नहीं है। बाइक चला रहा हूँ सामने पहाड़ है, अभी भी मेरे को ये सब देख के पूरा एकदम I am living my dream. हम लिए हैं छोटा सा ब्रेक और ये सीन चेक कर गाइस, जस्ट लुक एट दिस, लुक एट दिस गाइस, पहुंच चुके हैं, अपना बाइक पीछे पार्क कर दिया है और यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे टू व्हीलर को। यहाँ से सामने जाके अटल टनल है और हमारा बाइक इधर पार्क है क्योंकि सामने बहुत बर्फ हो गई तो इसलिए टू व्हीलर को जाने नहीं दे रहे। और ये चेक करें गाइस, चेक दिस आउट, सोलांग वैली देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। ओह माय गॉड, मेरा फर्स्ट टाइम ये स्नो वाला एक्सपीरियंस हो गया, तो चलिए देर ना करके चलते हैं बर्फ में। बहुत पैर भी फिसल रहा है बहुत। अभी हम लोग थोड़ा ऊपर जाके घूम के देखते हैं, जहाँ पर ज्यादा बर्फ होगा तो वहाँ पर जाएंगे। क्या ही जगह है यार मेरा गाइस, ये देखिए कितना भारी भारी बर्फ, देखिए अपने जूते के अंदर भी घुस गया, जूते के अंदर मेरा बर्फ घुस गया। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, चल चलिए जैसे चल। हाँ भाई साहब रील्स भी शूट करेंगे। और अभी हम आ चुके हैं बहुत ही ऊंची जगह पर, यहाँ से देखिए आप सीनरी देखिए, इधर देखिए देखिए हम लोग वो नीचे से वैसे करते करते पूरे, और यहाँ से देखिए चेक करें गाइस, ऊपर से पैराग्लाइडिंग होता है, वहाँ से पैराग्लाइडिंग होता है, देखिए यहाँ से आ रही है ऊपर से पैराग्लाइडिंग होता है, फिर वहाँ से पता नहीं कुछ रोपे वोपे है। और हम इधर देखिए, इधर चेक करें ऊंचाई से, देखिए नीचे कितने छोटे छोटे घर, हम कहाँ से कहाँ आ गए ऊपर, और इधर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा बर्फ मिल गया। अभी एक स्नोमैन बनाएंगे बड़ा सा, क्योंकि पूरा दिन अभी बज रहे हैं 11, तो हम अभी पूरा दिन हमारे पास है, अभी एक स्नोमैन बनाएंगे हम दोनों मिलके, मैं और मेरी बहन मिलके। ओह भाई साहब कैसा लगा हमारा स्नोमैन, देखिए कैसा लगा बताइए। इसके साथ लगा इसको बनाने में हमको आधा घंटा लग गया इसको बनाने में, इसके साथ फोटो वोटो खींचेंगे और बढ़िया लगे। देखिए कैसा लगा हम, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। देखिए मेरा दोस्त क्या पागल बन दिया यार। यहाँ का सीन हुआ हमारा खत्म हो गया, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, बहुत टाइम स्पेंड कर लिया है, मज़ा भी आया, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, जाके सीधा थोड़ा खाएंगे फिर जाके वापस अपने जाएंगे अपने होटल पे। बहुत ही शानदार जगह था, यहाँ पर हमारा लिया गया है एक छोटा सा ब्रेक, बाइक हमारी उधर पार्क है, थोड़ा सा माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। हाथ पूरे मेरे एकदम सुन हो गए, एकदम पता ही नहीं चल रहा है कुछ। इधर हमारी बाइक पार्क है और ये चेक करेगा इस रास्ते पूरे ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे रास्ते हैं। तो यहाँ पर हमारा लिया गया है एक चाय का ब्रेक इस नज़ारे के साथ, चाय की चस्की।
तो अभी हम लोग दोपहर का लंच कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं रूम पे, मतलब होटल पे पहुंच गए, और बाइक जो है वो हम लेके आ गए अपने होटल तक। बहुत ही मुश्किल से लेके आए, मतलब बहुत रास्ता जो है बहुत ही शॉर्ट, मतलब बहुत ही छोटा सा गली है, गली के बीच से हम लेके आ गए। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे तो शाम को देखते हैं। थोड़ा हरिम्बा टेम्पल जाने का प्लान है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है हमारे यहाँ पर, तो बाइक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, बाकी सब बढ़िया है। अभी शाम के 5 बज गए और अभी हम लोग होटल से निकल रहे हैं थोड़ा हरिम्बा टेम्पल घूमने के लिए। और ये चक्कर है गाइस, अभी पूरा वेदर एकदम पता नहीं, क्लाउडी हो गया। अभी थोड़ी थोड़ी सी स्नो गिर रही है, स्नोफॉल हो रही है, उतना ज्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी सी गिर रही है। क्या ही मजा आता है अपना, मतलब पूरा स्नोफॉल देखिए थोड़ी थोड़ी सी गिर रही है जैकेट में। तो अगर ज्यादा गिर जाती है बर्फ तो भी, मतलब ज्यादा स्नोफॉल हो जाती है तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, स्नोफॉल का भी एक्सपीरियंस ले ही लेंगे, अगर हो जाए तो बढ़िया है। अंदर जा रहे हैं, अरे अभी ये कौन सा पाइन ट्री है ना, यहाँ तो बहुत भीड़ है। अरे भाई साहब बहुत भीड़ है, लंबा लाइन है मंदिर में जाने के लिए, दर्शन कर लिए, बहुत लंबा लाइन है। तो अभी हरिम्बा टेम्पल हम घूम चुके हैं, अभी शाम हो चुका है, एकदम अंधेरा अंधेरा हो रहा है, तो अभी घर जा रहे हैं घर। लेकिन यहाँ पर बहुत बहुत ही भीड़ होता है, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत भीड़ होता है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि होना ही है, क्योंकि ये बहुत फेमस टेम्पल है मनाली का, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं अंदर। तो आप लोग देखिए कितना भीड़ होता है। अभी सीधा जा रहे हैं होटल में जाके रेस्ट करेंगे, बाकी आज बहुत घूम लिए हैं और मन भी बहुत भर गया है, और यहाँ मनाली का भी एक मेमोरी बन गया है। अभी चलते हैं सीधा होटल पे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने होटल पे और रात के 8 बज गए हैं, और हमारा जो बाइक था वो रेंटल पे लिया था, वो अभी जहाँ से लिए थे वहाँ पर छोड़ के, तो फिर हम सीधा आ गए हैं अपने होटल पे और अभी खाना वाना खाएंगे। रात को 8 बज गए हैं, अभी सोना है क्योंकि आज हमारा लास्ट, मतलब लास्ट नाइट है मनाली में, क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं फिर से वापस दिल्ली, और कल हम लोग चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, मतलब दोपहर को चेकआउट कर रहे हैं, तो आज हमारा लास्ट नाइट होगा मनाली में। और बाकी बहुत बहुत सारे यादें मनाली से लेके जा रहे हैं, बहुत 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 मेमोरी, इतना बढ़िया जगह था, क्या ही बताऊँ, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और आज यहाँ से होके आए हैं फिर से वहाँ जाने का मन कर रहा है, तो बाकी कोई नहीं, वैसे तो चलता है, ऐसे रहेंगे मतलब आना जाना रहेगा से। तो बाकी तो मनाली में बहुत 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 ही मजा आया, और ढेर सारी यादें, ढेर सारी मेमोरीज एक साथ लेके जा रहे हैं हम लोग वापस फिर से। अगर नेक्स्ट ईयर में देखेंगे कि अगर मौका मिले, सब कुछ ठीक रहा तो फिर से आएंगे। बाकी यहाँ पर करते हैं ब्लॉग का एंड। होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू ऑल थिंग्स दैट्स होप्स। अभी सो जाएंगे खाना खा के, फिर कल हमारा शाम का बस है दिल्ली के लिए। ये 10 कमरे कॉल लिए।